नमस्कार दोस्तों कैसे हो आशा करता हूं बहुत अच्छे मंगेश दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि तेरा फीट लंबाई और छह फीट हाइट में कैसे एक जीना चढ़ाया जा सकता है जिसका राइजर कितना आएगा ट्रेड कितना आएगा ट्रेड का साइज कितना रहेगा राइजर का साइज कितना रहेगा लैंडिंग का साइज कितना रहेगा कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि इसी तरह का नया नया वीडियो आपके पास पहला आता रहेगा सो so, दोस्तों हमने पूरी डायग्राम बना ली है आपको समझाने के लिए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है आप कहीं से भी इस तरह केस जीना बनाते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए आपका समझ में आ जाएगा दोस्तों जिनको भी बिल्कुल नहीं पता है इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी थोड़ी आइडिया आ जाएगा और आइडिया आने के हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाके देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट बना है स्टेरकेस के बारे में जीना के बारे में आप अगर पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा जीना बनाने के लिए किस तरह से चढ़ा जाता है कितने जगह में कितना राइजर ट्रेड होगा सब कुछ आपको आसान लगेगा आप जब इस वीडियो को देखने के बाद तीन चार स्टेयरकेस बना लोगे आपका पूरा एक्सपीरियंस आ जाएगा दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना मेरा ये रिक्वेस्ट है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसका हाइट दोस्तों हम सबसे पहले छह फीट तक चढ़ाएंगे तो छह फीट तक चढ़ाने के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा छ को बारह में गुना करेंगे जो कि एक फीट का मतलब बारह इंच तो बारह में गुना करेंगे दोस्तों आपका मोबाइल दोस्तों आप मोबाइल कैलकुलेटर से भी हिसाब कर सकते हैं छ को बारह में गुना करने से बास्तर इंच हो रहा है तो बास्तर इंच को हम क्या करेंगे इसका जो राइजर लेंगे दोस्तों ये जो राइजर है इसको छह इंच लेंगे ठीक है दोस्तों इसको छह इंच लेंगे और दोस्तों बास्तर इंच से 6 इंच भाग करेंगे तो बारह राइजर हो रहा है ठीक है दोस्तों बारह राइजर होगा तो दोस्तों राइजर तो बारह हो गया है अब बात करेंगे इसका लंबाई दोस्तों इसका लंबाई में तेरह फीट लिया है दोस्तों तेरह फीट को बारह में गुना करेंगे जो कि एक सौ छप्पन इंच हो रहा है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों एक सौ छप्पन इंच को हम क्या करेंगे इसका जो लैंडिंग लेंगे दोस्तों इसका जो लैंडिंग लेंगे, लेंगे वो पैंतीस इंच लेंगे ठीक है दोस्तों ये पैंतीस इंच लेंगे इधर से इधर तक पैंतीस इंच लेंगे ठीक है दोस्तों तो पैंतीस इंच हम माइनस कर देंगे तो एक सौ इक्कीस इंच हो रहा है ठीक है दोस्तों तो एक सौ इक्कीस इंच को हम क्या करेंगे इसका जो ट्रेड है ये जो ट्रेड है हम ग्यारह इंच लेंगे ठीक है दोस्तों ये नॉर्मली नौ दस ग्यारह बारह लेते हैं तो हमने 11 इंच लिया है तो 11 इंच 121 इंच को 11 इंच से भाग करेंगे तो कितना हुआ है 11 ट्रेड बन रहा है ठीक है दोस्तों बहुत ही इजी तरीका है देखिए दोस्तों इसका जो राइजर है दोस्तों 12 राइजर हो गया है 12 राइजर हो गया है और ट्रेड हुआ है 11 दोस्तों इसका जो राइजर का साइज है वो छ इंची है और ट्रेड का साइज है ग्यारह इंची दोस्तों हमने जब ये कैलकुलेट किया है तो बारह राइजर हुआ है और ग्यारह ट्रेड क्यों लिया दोस्तों देखिए यहाँ पे हो रहा है कि नहीं है देखिए ये है राइजर तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दोस्तों बारह राइजर हुआ है और देखिए दोस्तों ट्रेड कितना हुआ देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह दोस्तों ग्यारह ट्रेड हुआ बिल्कुल आसान से दोस्तों अब लैंडिंग होगा एक तो लैंडिंग कितने रहेगा पैतीस इंच रहेगा ठीक है दोस्तों ये लैंडिंग जो दीवाल को छोड़ के इधर से इधर तक 35 इंच होगा ठीक है दोस्तों तो देखा कितना आसान है आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और किसी तरह का जानकारी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ठीक है धन्यवाद